यरियारम नमो वजायारम नमो लुए सब सामनम ऐसो पंचन मुक्कारो सब पाव पनासनो मंगलानं च सर्वे सिम परमं हवै मंगलम। सभी से सादर जय जिनेंद्र। एक होल क्रिएट किया है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए हमें पार्टिसिपेंट्स के कैसे चल रहा है आपका। तो हम अभी पोस्ट कर रहे हैं पोल, आपको जो आपका आंसर है बस उस पर क्लिक करना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे, उसमें ऑप्शंस है आंसर्स के, आप सबको बस अपने करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है। या फिर ना एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाए, फिर अपन पोल लास्ट में कर लेंगे, अभी क्लास स्टार्ट कर लेंगे। धर्मेंद्र जी सर, नौका नाम से बोल दिया। हाँ ओके, तो नहीं हो पाना। ओके राइट, पंच परमेश्वर को नमन, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सभी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन, सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा चार सागर जय जी मंत्र। इस प्रकार से आपको सभी को अच्छे से ध्यान में है कि श्रावक के 12 व्रतों की क्लास का अध्ययन किया जा रहा है, और श्रावक के 12 व्रतों में हमारी दृढ़ता किस प्रकार से बने उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, और श्रावक के 12 व्रतों की ग्रहण करने के पश्चात हम उनका पालन किस प्रकार से कर सकते हैं तो उसके बारे में विवेचन किया जा रहा है। और उस प्रकार से जो 5 व्रत हमने उनका विवेचन किया था, आप लोगों ने उनको समझा था, समझ करके उनके व्रतों को भी ग्रहण किया होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 5वां व्रत कल चला था, तो परिग्रह की मर्यादा भी जो घर वाले जो लोग होते हैं सबसे डिस्कशन करने के पश्चात ली जाती है। ऐसा भी हुआ हो कि भाई आपको आप अपने घर वाले लोग जो हैं अपने नाम पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कराते हैं, मैं 4 करूँ 5 करूँ कितना करना है मुझे, ये डिस्कशन नहीं कर पाए हो, आपको घर पे करना पड़ा हो तो उसके पश्चात आप पचकान ले गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा आपने नहीं लिया हो तो उसके पचकान आज आपको करवा दिए जाएंगे। आप लोगों को ध्यान में होगा इस प्रकार से एक जो कार होती है या फिर बाइक होती है, जो भी वाहन होता है जिससे व्यक्ति ट्रेवल करता है, तो उसके अंदर एक ब्रेक भी होता है और एक्सीलेटर भी होता है। ब्रेक का मतलब होता है कि जब भी हमको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर है कहीं पर, कोई जो भी बस्ती वाला एरिया है जहां पर लोग भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहां पर हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, और जहां पर लगता है कि यहां पर कोई कुछ बत्ती वगैरह नहीं है या फिर कोई भीड़ वगैरह नहीं, तो वहां पर क्या करते हैं, एक्सीलेटर का यूज करते हैं। यानी अगर इसको अपन धर्म की दृष्टि से समझना चाहें तो संसार के कार्यों में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, और धर्म के कार्यों में हमको एक्सीलेटर का प्रयोग करना चाहिए, रेस दबानी चाहिए ताकि हमारी गाड़ी थोड़ी फास्ट जा सके। आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है कि हम करते क्या है, भाई ऐसा करना चाहिए ये तो रूल्स है, बट हम करते क्या है, हम धर्म के कार्यों में तो ब्रेक लगाते हैं और संसार के कार्यों में हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अच्छे से ध्यान में। एक्चुअली 5 व्रतों का जो अनुव्रत है, अनुव्रत का हमने अध्ययन कर लिया है, उनको स्वीकार कर लिया है, अब हमको पता है कि किस प्रकार से मुझे इसका पालन करना पड़ेगा, इनकी दृढ़ता कैसे हो सके। तो जो अगले जो गुण व्रत स्टार्ट होने वाले हैं, 6वां 7वां 8वां आदि जो गुण व्रत है, वो 5 जो अनुव्रत है इनके संवर्धन के अंदर, इनके संरक्षक के अंदर, यानी उसकी दृढ़ता बने, उसकी किस प्रकार से पालन हो सके, इसीलिए 3 गुण व्रतों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्रावक के 12 व्रतों में मूल रूप से तो अनुव्रत हैं, बाकी 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, किस किस प्रकार से आते हैं। तो गुण व्रतों का क्या का रीजन है यहाँ पर देने का, कि जो 5 अनुव्रत हैं उन अनुव्रतों का संवर्धन किस प्रकार से हो सके, जो मैंने मर्यादा की है, जो मैंने त्याग किया है, वो आगे से आगे किस प्रकार से आगे बढ़ सके, मैंने 5 नियम लिए तो 6 किस प्रकार से हो सके, 7 किस प्रकार से हो सके, उन्हीं के सूक्ष्म रूप से छोटे रूप में जो गुण व्रत चलते हैं उनकी हमको विवक्षा करनी है। तो जब तक हम हमारी खुद की जो गाड़ी है उसका एक्सीलेटर और ब्रेक मुझे कहाँ यूज करना है ये हम मैं समझ नहीं पाऊंगा, तब तक मैं इन चीजों को कभी अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। और हमारी बॉडी का, हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे पास में ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बार क्या होता है,
एक प्लेन उड़ रहा होता है, एरोप्लेन उड़ रहा होता है, और एरोप्लेन का जो होता है, एरोप्लेन का एक्सीडेंट क्रैश हो जाता है, एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के पश्चात में क्या होता है कि वहां पर आपको सबको ध्यान में है कि न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि एरोप्लेन क्रैश हो गया, इतने लोग मरे, तो न्यूज देता कौन है? तो वहां पर जो पत्रकार आदि लोग होते हैं, जो प्रेस रिपोर्टर्स वाले जो होते हैं, वो जाते हैं वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि प्लेन का पूरा मलबा पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, वो देखते हैं कि वहां पर देखा तो लाशें पड़ी हुई थी, लाशें अब किसको पूछे, उनको कुछ तो उनको चाहिए था कि मैं ये बात किससे पूछूं और उनको रिपोर्ट देनी है कि हुआ क्या था एक्चुअली। अब क्या होता है कि वो वहां देखते तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं मिलता है, जन वो सोचते हैं कि मान लो कोई बच गया हो तो यहां से पैदल पैदल जंगल की तरफ निकल गया होगा, तो मैं वहां जाकर ट्राई करता हूं कि कोई ना कोई मुझे मिल जाए। वो जो प्रेस वाले थे, रिपोर्टर्स लोग थे, जंगल की तरफ गए, वहां जाकर के गए तो एक बंदर बैठा हुआ था। तो बंदर बैठा हुआ था, बंदर को पूछा कि एक काल्पनिक दृष्टांत है, अपने को कुछ चीजें फिट करने के लिए दृष्टांत बनाया गया है, कि बंदर को पूछा कि हे बंदर महाशय, कपी महाशय, कपी इसका नाम होता है पर्यायवाची शब्द, हे कपी महाशय, कि यहाँ इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ है, क्या आपने कुछ देखा है? तो उसने भी टांग पे टांग रखे एकदम अकड़ के अंदर बोला, देखा क्या नहीं, सब कुछ मेरे सामने हुआ है। बोले तो बोले ऐसा कैसे हुआ, मुझे बताने का प्रयास करें। तो बोले आप कहाँ थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ? क्या हादसे की बात छोड़ो, उसके रिजल्ट में मत जाओ, मैं तो खुद प्लेन में था। बोले कि प्लेन के अंदर थे? तो बोले सबके सब यात्री क्या कर रहे थे प्लेन के अंदर? बोले सबके सब यात्री सो रहे थे। तो बोले कि प्लेन का जो पायलट था वो क्या कर रहा था? उसको रिपोर्टर को जानना था कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो बोले पायलट भी सो रहा था, क्योंकि पायलट सो रहा था तो पायलट के साथ में एक और पायलट होता है। तो बोले कि वो सह पायलट था, वो क्या कर रहा था? वो भी सो रहा था। भैया सबके सब सो रहे थे तो प्लेन कौन चला रहा था? बोले कि प्लेन तो मैं चला रहा था ना। यानी अब सोच लीजिए आप कि अगर मान लीजिए प्लेन को ड्राइव करने वाला बंदर होगा तो वो 101% वो उसका एक्सीडेंट तो करेगा करेगा। और हमने ऐसा कहते हैं उत्तराधन सूत्र के 23वें अध्ययन के अंदर, जहां केशी कुमार शर्मा आदि का विवेचन चलता है कि मन एक घोड़े के समान है, हमने हमारा शरीर जो हमारा प्लेन है, हमारा जो जीवन है, इसकी बागडोर उसकी जो उसके मन के हाथ में दे दिया है, तो ये कभी ना कभी नरक गति में जाके क्रैश कराएगा, कभी ना कभी तीरंज गति में जाके एक्सीडेंट कराएगा, ऐसा घुमाता ही रहेगा। अनुव्रतों के पालन करने के लिए जरूरी है कि हमारी लगाम हमारे हाथ में हो। आकाश के अंदर पतंग कितनी ऊपर उड़ती है, कोई भी उसके पतंग जहां से उड़ती है ना, जितनी ऊपर उड़ेगी तो 101% किसी ना किसी के हाथ में होगी, तभी जाकर के वो आकाश में उड़ सकती है, वरना वो नहीं उड़ती। अगर वो जैसी पतंग कटी तो वो नीचे ही आएगी। हमारा जीवन के अंदर एक न एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके हाथ में हमारी पतंग हो। फर्स्ट क्लास के अंदर भी मैंने निवेदन किया था कि हम किस से कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिंग पावर। आज मैं आपके सामने कुछ 3 या 4 पावर की बात करूंगा, हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अनुव्रतों का, 12 व्रतों का तभी हम अंगीकार कर सकते हैं जब हम हमारे गुरु से, जब हमारे आचार्य से, साधु सती से, अरिहंत से, सिद्धों से कनेक्ट हो। फर्स्ट होता है कनेक्टिंग पावर, हम किससे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट कौन सा है? कनेक्टिंग पावर। हम कनेक्ट किससे हैं? जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमारे मन में किसका नाम आता है, हम किसके बारे में सोचते हैं, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा कनेक्टिंग पावर, किससे कनेक्ट है। सेकंड है कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अगर मुझे 12 व्रतों का पालन करना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है, मुझे चोरी छोटी चोरी नहीं लगाना, तो मुझे अपने इंद्रियों पर, मन वचन काया पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया हूं तो ये सब मैं नहीं कर सकता। कनेक्टिंग पावर, कनेक्ट हो जा, जुड़ जा। सबसे पहले क्या है? धर्म से, समकित से, श्रावकपने से जुड़ जा। फर्स्ट है जुड़ जा। दूसरा है अपने आप को वश में कर ले, यानी कंट्रोलिंग पावर। मुझे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इंद्रियों के ऊपर। अगर मुझे, मैंने मन वचन काया पर कंट्रोल नहीं किया है तो मैं किसी भी व्रत का पूर्णतया पालन कर ही नहीं सकता हूं, बहुत जरूरी है। तीसरा है कन्वेंसिंग पावर, कन्वेंस। कन्वेंसिंग पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, कन्वेंसिंग पावर, ये ध्यान में रखना है। कन्वेंस की शक्ति यानी समझने की शक्ति। अब ये सोच लीजिए, इस पर बहुत जरूरी ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरे जीवन में एक न एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए
जिसको मैंने कन्विंसिंग पावर का राइट किया हुआ हो। मेरे जीवन में एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैंने ये राइट्स दे रखा हो कि पूरी दुनिया से मैं अगर नहीं समझूंगा लेकिन आप अगर समझाओगे तो मैं समझ लूंगा। एक ना एक ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ना तो मैं अपनी मम्मी की सुनता हूँ ना मैं अपने पापा की सुनता हूँ, अगर माता से आ गए समझाने का प्रयास किया तो उनकी मैंने नहीं सुनी, अब जीवन में बचा कौन है? मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। अगर मेरी जीवन की बागडोर किसी के हाथ में नहीं है, उड़ने वाले की पतंग किसी के हाथ में नहीं है तो वो आकाश में पूरी गति से उड़ नहीं सकती है, वो कट करके नीचे गिरेगी। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कन्विंसिंग पावर, समझने की शक्ति का राइट मैंने किसी को दे रखा है कि वो भैया मुझे समझाएंगे, वो श्रावक जी मुझे समझाएंगे, वो साधु सत्य जी महाराज साहब, वो आचार्य भगवान मुझे समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। बहुत जरूरी है। हम कभी आचार्य भगवान के वहां कभी ना कभी महाराज साहब के वहां जाते हैं, उन्होंने अगर आपको ऐसा बोला हो, जो व्यक्ति जीवन में एक सामायिक नहीं करता है उसको ये बोला हो कि भैया तुझे रोज एक सामायिक करनी है, क्या वो सर तहते करके स्वीकार कर लेगा? ऑन द स्पॉट अपनी रायचन बाहर आएगा कि मथेन मंदामी रोज का रोज एक सामायिक कैसे हो पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कुछ ना कुछ। महाराजा जो चीज हमको बताते हैं वो हमारी क्षमता को परखने के बाद नहीं बताएंगे कि इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है ये कर सकता है, तभी जाकर के वो परोस रहे। हम बोलते हैं हमको याद नहीं होता, कैसे याद नहीं होता? रस्ते में निकल रहे कोई व्यक्ति हमको 10, आप सीरियल देखते हैं आधा घंटे का, कोई मूवी देखता है 3 घंटे की मूवी देखी, तन मन पूरा और धन तो पहले लगा ही दिया, वहां से निकलने के बाद घर पहुंचे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरी की पूरी स्टोरी सुना देते हैं। किसी ने अगर 4 गाली दी हो तो 4 गाली हम याद रखते हैं, फिर हमको याद कैसे नहीं होता? अरे हमको वो याद होता है जिनको मैं याद करना चाहता हूं, मुझे वो याद नहीं होता जिसको मेरे इंटरेस्ट नहीं है। और जो अनादिकाल के मेरे संस्कार हैं तो जो चीजें वो उनको चुंबक चुंबक को आकर्षित करती हैं, यानी समझ लीजिए लोहा बाहर पड़ा हुआ है, लोहे कचरे रूप लोहा पड़ा हुआ है तो चुंबक उसको आकर्षित करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन हमको अच्छे गुण हमको डालने हैं, इसके लिए कैसी बात कहते हैं कि अच्छा करने के लिए क्या करें, धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? आप सिंपलली एक लाइन में लिख लेना कि धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करना बंद कर देना चाहिए जो अकरणीय हो, यानी नहीं करने योग्य कार्यों को हम नहीं करेंगे तो अपने आप वो कार्य हो जाएंगे जो करने योग्य होंगे। सिंपल सी बात है, नहीं करने योग्य कार्यों को हम नहीं करेंगे तो वो कार्य अपने आप होंगे जिनको मुझे करना चाहिए। नहीं करने या योग्य कार्यों को छोड़ देना चाहिए, उससे अपने आप ही वो कार्य हो जाएंगे जो मुझे करने योग्य कार्य है। तो 5 अनुव्रत जो है उनका हमको किस प्रकार से संरक्षण करना है, किस प्रकार से उनको बढ़ाना है, किस प्रकार से मुझे पूर्ण रूपेण पालन करना है, उसके लिए मुझे हमारे गुरुजनों से जुड़ना ही पड़ेगा। जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु है, अरिहंत भगवान है, वहां पर मेरी श्रद्धा पूरी की पूरी दृढ़ता रूप से कनेक्ट होगी तभी जाकर के मैं जुड़ सकता हूँ। मेरी 5 इंद्रियों पर, मन वचन काय पर मेरा कंट्रोल होगा, कंट्रोलिंग पावर जितना मेरा स्ट्रोंग होएगा उतना मैं इन व्रतों का, महाव्रत अनुव्रतों का पालन कर पाऊंगा और महाव्रतों का मैं मार्ग प्रशस्त कर पाऊंगा। कन्विंसिंग पावर यानी कन्विंस होने का राइट जिसको मैंने दे रखा होगा, उनके पास में गया, दुनिया की नहीं मानी लेकिन उन्होंने बताया, मैंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया तो अपने आप में आगे बढ़ता रहूंगा। लास्ट है, चौथा है कन्वर्टिंग पावर। और जो मैंने गलती करी थी चेंज हो जा, यानी कन्वर्ट हो जा। अगर मैंने गलती करी थी तो मैंने विभाव में चला गया था, विभाव से वापस मुझे कहां आ जाना है, स्वभाव के अंदर आ जाना है। जुड़ जा, संयम में रह जा, समझ जा और चेंज हो जा। ये चारों बहुत जरूरी है, ये चारों अगर रहेंगे तो हम अनुव्रतों का, गुणव्रतों का, शिक्षा व्रतों का पूर्ण रूपेण पालन कर पाएंगे। सामायिक में मन तभी लगेगा जब हम कि पुस्तकों से धर्म क्रियाओं से आचार्य उपाध्याय साधु आदि जो है उनसे जुड़े रहेंगे। मेरा इंद्रियों में वश, इंद्रियों पर मेरा पूरा लगाम लगी रहेगी, मेरा अगर पूरा रहेगा उसके ऊपर तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बाकी मैं नहीं कर सकता। अगर मैं समझने की शक्ति रखता हूँ तभी मैं समझ पाऊंगा। कन्विंसिंग पावर मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और लास्ट जो पावर था कन्वर्टिंग पावर, और जो मैंने दोष लगाया है उनका मिच्छा में दुक्रम देने के पश्चात मुझे वापस स्वभाव में आना है। जो जो मैंने दोष लगाए, जो जो मैंने अतिचार लगाए हैं उनको छोड़ करके वापस मुझे यहाँ आना है। तो इस प्रकार से 4 पावर के अपन ने यहाँ पर बात की है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अपनी जो बात चल रही है, छठे जो व्रत है दिशा परिमाण व्रत,
दिशाओं की मर्यादा करने की बात चलेगी, दिशा परिमाण व्रत। दिशाओं की मर्यादा की बात यहां पर चलती है, किस किस प्रकार से क्या क्या होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, किस किस प्रकार से मर्यादा कर सकते हैं, मैंने कुछ बनाए हैं आपके लिए। देखो कुल मिलाकर के पहले तो अपन सामान्य रूप से चीज समझ लेते हैं कि दिशाएं होती कितनी है। तो ऐसा कहते हैं द्रव्य दिशा होती है 18, भाव दिशा भी होती है 18। यहां जो बात चल रही है कि द्रव्य दिशा की मर्यादा की कथन है, यहां पर द्रव्य दिशा की मर्यादा का कथन है। यहां पर द्रव्य दिशा की मर्यादा कर ली जाएगी और अगर मैं पांच अनुव्रतों का पूर्ण रूपेण पालन करता जा रहा हूं और ये सहयोगी बनेगा पांच अनुव्रतों के पालन के अंदर, तो मेरी भाव दिशा जो है अपने आप मेरी कंट्रोल हो जाएगी। द्रव्य दिशा 18 कौन सी है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। चार दिशा आपको अच्छे से पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, देख लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, जिसको हिंदी आती होगी, वैसे मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूं तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, और होती है ऊंची दिशा नीची दिशा। यहां पर देख लो एक बार, ऊंची नीची के पहले चार दिशा की बात कर ली अपन ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से होती है। अब जो ये कहलाते हैं ना ये वाले, ये कहलाते हैं ईशान कोण, आग्नेय आदि दिशा जो नैऋत्य दिशा भी होती है, वो चार, एक दो तीन चार, ये चार कोण की दिशा, चार कोण की दिशा, और इनके अंतर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ अंतर, चार दिशा और चार कोण की दिशा के बीच में जो अंतर रहे हुए हैं वो अंतर जोड़ेंगे तो 18 प्रकार की दिशाएं बन, अंतर चार आठ अंतर कितना हो गया, चार तो ये, चार कोण की आठ और आठ दूनी 16, और 16 के बाद में दो, कौन सी, ऊंची दिशा और नीची दिशा, ये कुल मिलाकर के 18 दिशाएं द्रव्य दिशाएं कहलाती हैं। 18 द्रव्य दिशाएं कहलाती है, कौन कौन सी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चार दिशाएं हो गई, चार दिशाओं के चार कोण हो जाएंगे तो ये कितनी होगी, आठ, और आठ के बीच में जो आठ ये अंतर है या आठ अंतर कहलाएंगे, ये भी दिशाएं कहलाती हैं। ये आठ दूनी 16 और ऊंची दिशा और नीची दिशा, इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 18 द्रव्य दिशाएं कहलाती हैं। ये 18 द्रव्य दिशाएं हैं, लिख लीजिए अच्छे से, लिख ली होगी आप लोगों ने। अब इस व्रत के अंदर किस प्रकार से मर्यादा की जाती है, तो यहां पर इन सभी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कथन नहीं है, यहां पर जो कथन होता है ये समझना है, यहां पर जो कथन है वो है ऊंची दिशा नीची दिशा और तिरछी दिशा की अपेक्षा समझना है, ऊंची नीची और तिरछी दिशा की अपेक्षा समझना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ऊंची दिशा की, उसमें किस किस प्रकार की मर्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो ऊंची दिशा के मैंने चार पॉइंट बनाए हैं, सबसे पहला पॉइंट आप देख लीजिए, मर्यादा करनी है हमको, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना ही है, धर्म के कार्य में हमको एक्सीलेटर का यूज करना है, वो समय आज हमारे सामने है। जब तक आप जुड़े रहेंगे धर्म की पढ़ाई से, ग्रंथों की पढ़ाई से, तो आपको बोलने वाले मिलेंगे, पढ़ाई नहीं चल रही है तो घर पे आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, अपनी आत्मा स्वयं जागृत हो जाए तो बात अलग है, बाकी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है ऊंची दिशा में अपन ने चार पॉइंट बनाए हैं। पहला है हवाई मार्ग, हवाई जहाज जितनी ऊपर जाती है उतना ध्यान रखना है, एरोप्लेन जिसको कहते हैं, हवाई जहाज हिंदी में कहते हैं एरोप्लेन, ठीक है सर। तो ये जो है कितना ऊपर जाता है, अब यहां पर दो चीजें हैं इसमें, ये ध्यान में रख लीजिए, उड़ने वाली चीजें हवाई जहाज, ऐसा कहते हैं कि 15 किलोमीटर लगभग ये ऊपर जाता है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर इतना ही वो उड़ता है, उसके ऊपर वो नहीं उड़ता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 15 किलोमीटर से लेकर करके 20 किलोमीटर तक की, या 15, 16, 17, 18, 19, 20 कि 20 किलोमीटर तक की मैं मर्यादा करता हूं, उसके ऊपर मुझे नहीं जाना है बस, या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग कि ऊपर जो है 15 किलोमीटर कर लिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं हमको किलोमीटर का पता नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि हवाई जहां जितना ऊपर जाता है वहां तक मेरे मर्यादा रहेगी, उसके ऊपर मुझे नहीं जाना, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे
ये चीज जो बताई थी हवाई जहाज के लिए, ऐसा बता दिया था कि 15 से 16 किलोमीटर ऊपर ही वह उड़ता है, तो वहां हम लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। हवाई जहाज के बाद में जो बात चलती है, अब किलोमीटर फिक्स कर लो, 15 से 20 किलोमीटर कर लो, या फिर जितना ऊपर उड़ता है उसके अपेक्षा कथन कर लीजिए। अब सेकेंड जो है पहाड़, पहाड़ में क्या क्या आ जाएगा, जैसे माउंट आबू है, कोई घूमने के लिए माउंट आबू गया, माउंट आबू गया, कोई जाता है हिमालय पे चला गया, माउंट आबू हो गया, हिमालय हो गया, जितनी हाइट की बात अपन कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोई घूमने चला गया बुर्ज खलीफा, खलीफा पर चला गया घूमने के लिए, कोई सम्मेद शिखर भी चला गया, किसी भी कारण से हमको हाइट पे जाना अगर पड़ा तो उसकी ऊंची इस पहाड़ के रूप में सेकंड को बना दिया कि कितना हम ऊपर जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में होगा कि सम्मेद शिखर जी कितना किलोमीटर है, भाई कोई कहते हैं 27 किलोमीटर, कितना कितना किलोमीटर है मुझे पता नहीं है। जैसे हिमालय का बोलते हैं कोई 7 या 8 किलोमीटर हिमालय बताते हैं, 5-1 किलोमीटर माउंट आबू है, तो 5 किलोमीटर ये हो गया, 8 किलोमीटर ये हो गया। बुर्ज खलीफा के लिए बोलते हैं लगभग कितना बता दिया है कि ये 126 या 128 जो है, 126 128 इसकी माला है, इसका 126 128 जो है वो फ्लोर है बुर्ज खलीफा के, इतना ऊपर है। मान लो कभी काम नहीं पड़ता लेकिन जिंदगी में सोचा कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, घूमने के लिए जाना है, तो ये मर्यादा देख लीजिए आप। मान लो कभी जोक पड़ जाए, हम तो घूमना नहीं है, चले भी गए तो भी घूमना नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हैं कि मुझे तो नहीं घूमना है, क्रॉस भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना और इस पर जाना ही नहीं है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हमको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना है। कोई कह रहा है कि 18 किलोमीटर लगभग है, हम ऐसा कर लें 20 किलोमीटर पहाड़ वाइज, एरोप्लेन में ले लिया हमने जहां तक वो ऊपर उड़ता है, या फिर 15 से 20 किलोमीटर और पहाड़ की अपेक्षा हमको जाना पड़े, एक तो उड़ करके जाना और एक चल करके जाना, दोनों में अंतर है ध्यान रखना, उड़ करके जा रहे हैं और एक चल करके जा रहे हैं, उसकी बात है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है मैक्सिमम में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितने कितने अपने को ब्रेक लगाना है यहाँ तक, बाकी जितना उड़ा है जितना हाइट है सबका हमारा त्याग हो जाएगा, बहुत जरूरी है। तो ये हाइट की बात आ गई। अब जो अगली बात चल रही है बिल्डिंग वाइज अपन ले सकते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा जो इसमें आ सकता है बिल्डिंग वाइज के अंदर, कि मंजिल एक तो हो गया, फ्लैट्स हो गए, फ्लैट जो हमारा कोई कोई बॉम्बे रहता है, कोई कहाँ रहता है, जैसे मान लो कोई 55 माले पे रहता है, कोई 100 नंबर के माले पे रहता है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, इतनी हाइट पे रहने वाले व्यक्ति हैं, तो ऊंची के अंदर बिल्डिंग में जो फ्लैट्स है, और किसी का 10 फ्लोर का है, किसी का 10-20 फ्लोर का है, तो अपने को करना है कि 10 फ्लोर के उपरांत, 20 फ्लोर के उपरांत, 30 फ्लोर के उपरांत, 40 के उपरांत, 50 के उपरांत हम लोग नहीं जाएंगे। और अगर मान लीजिए इसके अंदर ये भी फ्लोर की बात की जाती है, तो यहाँ पर 126 128 फ्लोर होते हैं बुर्ज खलीफा के अंदर, तो इतना हम रख सकते हैं कि इस 50 फ्लोर के उपरांत जाएंगे ही नहीं, और जीवन में भविष्य में यूं मान लीजिए कभी यहाँ जाने का अवसर पड़ गया तो उसका मुझे 5 नवकार मंत्र बोल करके उसको यूज करना है, बाकी मेरा संपूर्ण इसका भी त्याग रहेगा, इतना इसका बुर्ज खलीफा काफी त्याग रहेगा। लेकिन अगर मुझे कभी काम पड़ गया, जो कैसा पड़ गया, तो मैं 5 नौकार मंत्र गिन करके मैं वहां जा सकता हूँ, उसका मुझे आगाह रहेगा। इस प्रकार से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे जिसको डाला है वो ले लिया है कि रॉकेट जो होते हैं अंतरिक्ष यान में जाने वाले, रॉकेट अंतरिक्ष यान जो भी जिस भी तरीके के हैं अंतरिक्ष यान, उन सभी का मेरे पूर्णतः त्याग रहेगा, उन सभी का मेरे पूर्णतः त्याग, मुझे उसका पूर्णतः त्याग रखना ही है। चार प्रकार की बात आ गई, ऊंची दिशा में हवाई जहाज कितना रखना है, जहां तक उड़े वहां तक बस। अब अगला जो है, या फिर 15 से 20 किलोमीटर पहाड़ में माउंट आबू, हिमालय आदि जो सम्मेद शिखर भी, जो भी जाने वाले व्यक्ति है कहीं पर भी जाना पड़ता है, पहाड़ वाइज भी अपन ले सकते हैं कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के उपरांत हम लोग नहीं जाएंगे, इस प्रकार से मर्यादा कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो ले लिया अगला बिल्डिंग वाइज में जो फ्लैट वगैरह है बुर्ज खलीफा आदि जो है, इनके अंदर फ्लैट में हम 10, 20, 30, 40, 50 इन फ्लैट के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे इस पर। और अगर मान लीजिए मैंने जो मर्यादा करी है उन सब के ऊपर सबका त्याग है, मूल रूप से एक आकार है, अगर मान लीजिए कहीं जाना पड़े तो 5 नौकार दिन के मैं उसको खोल सकता हूँ, यूज करने के बाद मुझे वापस प्रतिक्रमण निशान हो जाएगा और वैसे वापस लोक लग जाएगा। जीवन में बहुत कम काम पड़ते हैं 50 मंजिल के ऊपर जाने के, कहाँ काम पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको लगाए भी नहीं, इसका त्याग ही करते हैं। किस प्रकार से लेना है आप जाने, रॉकेट अंतरिक्ष यान का मुझे संपूर्ण पूर्णता है उसका त्याग रहेगा,
इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हमारे मर्यादा आदि जो हो गई है, ऊंची दिशा की हमारे क्या कर ली, हमने मर्यादा कर ली है। अंतरिक्ष यान का, रॉकेट का आप संपूर्ण रूप से त्याग कर लेवे बहुत जरूरी है। ध्यान में नहीं आया, खुला रह गया, जितना पाप लग रहा है हमारे अकाउंट में जुड़ता जाएगा, और हमको ऐसा नहीं करना है। अकाउंट में अगर ब्याज आता जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फालतू के कर्म बंद होते जाए उसका तो प्रॉब्लम है ना। तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, ब्याज भी इतना नहीं बढ़ता जाए कि मेरे मर्यादा भंग हो जाए, और ये भी इतना नहीं बढ़ता मुझे पता ही नहीं है और दोष लग रहा है, क्यों लगाना करते दोष। इसीलिए हमको पूर्ण रूप से अच्छे से सजग होकर के ध्यान में रखना है। अब जो अगली बात है, नीची दिशा की बात कर लेते हैं अपन। नीची दिशा, नीची दिशा के अंदर जैसे एग्जांपल के लिए पनडुब्बी चलती है, पनडुब्बी को बोलते हैं सबमरीन भी बोलते हैं, सबमरीन भी बोलते हैं आप लोग विद्यालयों का, पनडुब्बी जो है नीचे चलती है, हमारे कहां काम पड़ता है कभी जिंदगी में? नाम सुने, नाम याद रख ले, वही बड़ी बात है कि सबमरीन है पनडुब्बी, हमारे क्या काम पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है काम हमारे को, तो उसका संपूर्ण त्याग कर लें, सीधा लिख लें इसका त्याग। या फिर जिंदगी में कभी ऐसा ट्रेवल करने के लिए घूमने का अवसर आ गया मान लीजिए, तो मुझे जाना पड़े उसका तो मुझे पांच नकामत बोल करके मैं चला जाऊंगा, अगर नहीं जाना पड़ा तो मेरा संपूर्ण त्याग रहेगा, पनडुब्बी आदि जो भी यान रहते हैं उन सभी का मुझे त्याग रहेगा। सेकंड नंबर पे ले लिया था यहाँ पर कि खान जिसकी खुदाई आदि जो माइनिंग आदि जो होती है, जिसके कंपनी होती है माइनिंग का कुछ कंपनी आदि है, उनकी अपेक्षा से खान हो गया, कुआं हो गया, बावड़ी हो गया, अब उसका हमको करना है। जो माइनिंग में कभी कभी जाने का अवसर पड़ता है घूमने के हिसाब से, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन, चार, पांच, जितना भी हो सकता है, कुएं में किसको जाने का काम पड़ता है? काम पड़ता ही नहीं है। और अगर मान लीजिए कभी उत्सुकता वश कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया कि हमको बांध करके कुएं में नीचे लटकाया जाए, देखिए हाँ कितना अच्छा लगता है, ऐसा जाना पड़े तो सोच लीजिए कि 50 गज 100 गज के नीचे नहीं जाएंगे, बावड़ी में जाने का काम पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो जीवन लीला ही समाप्त करने वाली चीजें हैं, ये फिर भी हमको पता नहीं होता है। ऐसे जितने भी खड्डे आते हैं, जैसे कुआं हो गया, बावड़ी हो गया, खान की तरह से हो गया, वहां पर मुझे नहीं जाना है, इसका संपूर्ण रूप से त्याग रखना है। और अगर यहाँ पर रख सकते हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के उपरांत में इन चीजों में प्राकृतिक रूप से जो खड्डे होते हैं वहां जाने का मर्यादा, बाकी सबका त्याग, पूर्ण रूप से इसका त्याग रखे बहुत अच्छा है। नंबर तीन पर जिसको रखा गया है, यानी अंडरग्राउंड जो चीजें होती है, अंडरग्राउंड, अब ये इसमें क्या आ गया, जैसे मॉल हो गया, किसी का ऑफिस हो गया, किसी में मॉल हो गया, ऑफिस हो गया, तलघर हो गया, कोई क्या करते हैं घर के नीचे एक मकान बना देते हैं, दो बना देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मॉल के अंदर जैसे पार्किंग होते हैं जो भूमि के ऊपर है उसको उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बोल दिया, या फिर फर्स्ट फ्लोर भी बोल देते हैं। आजकल तो नई नई चीजें हैं, गवर्नमेंट से राज्य के विरुद्ध काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो नीचे का होता है उसे ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं, मतलब उसको ग्राउंड फ्लोर बोल देंगे, फिर नहीं सॉरी बेसमेंट बोल देते हैं, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर मतलब पहला फ्लोर है, और पहला फ्लोर जो है वो दूसरा फ्लोर है, उतना ऊपर जा जाके लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो अपने को ध्यान में रखना है, जमीनी स्तर पर जो चीज बनी हुई है उसके नीचे से मेरी काउंट होगी। यानी मॉल में जाते हैं तो तीन तो बाइक पार्किंग हो गया, तीन कार पार्किंग हो गया, उसके नीचे और कोई चीजें होगी, तो 3, 4, 5 मंजिलें, यहीं जयपुर में भी है मॉल वगैरह तो 5 मंजिल तो लग ही जाता है। तो अपन ध्यान रखना है कि मॉल, किसी का ऑफिस है, ऑफिस में पार्किंग नीचे 4, 4, 5, 5 मंजिल की है, तो उस पार्किंग का ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अधिक से अधिक 5, 6, 10 जितना रखना है कि 10 मंजिल के नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, 10 मंजिल। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि समुद्र तल से जिनकी जो हाइट वगैरह रहती है, जैसे एग्जांपल के लिए ये जयपुर जो है किसी की अपेक्षा मेट्रो वगैरह जो भी है, अपन 1 मंजिल 2 मंजिल तक अपन रख सकते हैं, और इसका मेट्रो का भी अपन उसका उसमें शामिल हो जाएगा। जैसे मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन जो चलता है वो कितना मंजिल पर चलता है उसका अपन काउंट नहीं कर सकते, कितना मंजिल पर है वो, तो उसका हम ये रख सकते हैं जब भी मुझे मेट्रो में बैठना होगा, बैठना पड़ता है, तो उसकी मेरी मर्यादा है कि मेट्रो में कितनी बार बैठना पड़े क्या है, या फिर मेट्रो में मुझे बैठना पड़ता है तो उसके अलावा बाकी इनका त्याग कर लीजिए, मेट्रो में बैठने का अपने आगाह रख लीजिए, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था कि समुद्र तल से लेवल से किसी का हाइट आदि कम होता है, तो हमको इतना पता नहीं रहता है, ना हम जानते हैं कि कौन सी सीढ़ी कौन सी हाइट पर है, कौन सी नीचे पर है, हमको ये ध्यान में नहीं रहता है। इसका हमको संपूर्ण आगाह रखना है कि जो चीज हमको पता ही नहीं रहता है, कहां जाकर के हम देखेंगे कि दिल्ली जो है जयपुर से कितना हाइट पर है, कितना नीचे है, तो वैसे ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमको उसका मर्यादा रखना है।
कि समुद्र तल से जो इकाई मापी जाती है हाइट और नीचे नीचे जाने का, उसका मुझे संपूर्ण आगाह रहेगा, उस प्रकार से हम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो नीचे की हाइट है उसका संपूर्ण मुझे त्याग रहेगा, इन इन मर्यादाओं को लांगने के बाद में मेरे को त्याग रहेगा। ये चीज समझनी है। अब जो इसमें फोर्थ पॉइंट पर डाला है मैंने, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में ले लीजिए कि यहाँ यहाँ तो मैं जाता हूँ, काम पड़ता है, लेकिन जहां मेरा बिल्कुल काम नहीं पड़ता है, जैसे सेना के लड़ाकू विमान है, जो जल सेना है वो अंदर हाइट में अंदर गहराई में बहुत ज्यादा जाते हैं, लड़ाकू विमान है, क्या मुझे उनका कभी काम पड़ता है? नहीं। मैंने कभी उनकी मर्यादा करी? नहीं। 12 व्रत लिए लेकिन फिर भी नहीं करी? आज कर लीजिए, क्योंकि उनका दोष मेरा खुला है, दोष लग रहा है। सेना के जो विमान है, सबमरीन आदि जो बहुत गहराई में जाती है, उनका मुझे संपूर्ण रूप से त्याग रखना है, मुझे कभी जाने का काम नहीं पड़ेगा, मुझे संपूर्ण उसका त्याग रखना ही है। और मान लीजिए कि देश के ऊपर ऐसा संकट आ गया, बहुत भयंकर संकट आ गया, मुझे सेना में शामिल होना पड़ रहा है और मुझे ले जाकर वहां खड़ा कर दिया, तो उसका मुझे आगाह रहेगा? मुझे नहीं लगता शायद ऐसी स्थिति कभी आएगी, फिर भी आगाह रख लीजिए, जिसका और रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अभी जो अगली बात करनी है हमको, तिरछी दिशा की हमको बात करनी है, ऊंची दिशा की बात कर ली, नीची दिशा की हमने बात कर चुके हैं, अब हमको बात करनी है तिरछी दिशा की। तिरछी दिशा, और कोई भी मुझे लगता शायद तो पॉइंट वगैरह कुछ छूट जावे तो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, लगभग ये चीजें आ गई है, और कुछ प्रश्न रहे तो अपन आप लोग पूछ ही लेंगे। वैसे तिरछी दिशा की बात करनी है हमको, अब जैसे एग्जांपल के तिरछी दिशा में हमने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है, एक तो तिरछी दिशा, ऊंची दिशा में हमने ये किया था कि यहां पर जमीन के ऊपर जो एरोप्लेन यहां पर उड़ता है, मान लीजिए ठीक है ना, जमीन के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, हमने इस हाइट की बात करी है, ये तो हो गई ऊंची दिशा, जैसे 15 किलोमीटर है आदि, 15 से 20 का कर लिया, लेकिन यहां पर जयपुर है और मुझे मुंबई जाना है, तो यहां से एरोप्लेन उड़ करके ऐसे जाएगा, यहां की तो मैंने मर्यादा कर ली है, बट यहां से यहां की मर्यादा कहां जाएगी? वो आएगी तिरछी दिशा के अंदर, वो कहां आएगी? तिरछी दिशा में उसकी मर्यादा आएगी कि कौन सी स्थिति है, मुझे कहां तक जाना है, उसकी मुझे मर्यादा करनी है। उसकी मर्यादा मैं किस प्रकार से करूंगा? सबसे पहले आएगा एरोप्लेन, हवाई जहाज, हवाई जहाज। यहां पर स्वयं के जाने की बात है, पानी की पाइपलाइन की बात नहीं है, स्वयं कितना जाएंगे उसकी बात है, ये ध्यान में रखना है, स्वयं कितना गहराई में, कितना ऊंचाई में, कितना तिरछा जाएंगे उसकी बात चल रही है, और कोई विशेष प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा। यानी यहां से तिरछी दिशा में हम कितना जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए दो पर बांट लीजिए, एक तो देश में और एक बांट लीजिए विदेश के अंदर। देश के अंदर कि आजकल क्या होता है कि ट्रेनों के टिकट्स भी ऐसे हो गए, इतने महंगे कॉस्टली कर दिए हैं कि एक एरोप्लेन, देखो ऐसा है कि फ्लाइट के टिकट ट्रेन की अपेक्षा महंगे होते हैं, सामान्य बात है, लेकिन कभी कभी फ्लाइट के ऑफर निकाले जाते हैं जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी से सस्ते होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम इसमें चले जाएं, तो वहां पर भी अपने को अगर संपूर्ण त्याग कर दिया तो वहां पर दोष लग जाता है। तो मुझे देश के अंदर कितनी बार यात्रा करनी पड़ेगी? जैसे मान लीजिए कोई किसी के बेंगलोर के रहने वाले व्यक्ति के जयपुर में रिश्तेदार है, जयपुर वालों के बॉम्बे में है, किसी को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, तो साल भर में कितनी बार मैं एरोप्लेन का यूज करूंगा देश के अंदर रहते हुए? तो जैसे मान लीजिए महीने में एक बार कर ले अपन, कि महीने में एक बार बैठेंगे, तो साल के कितने हो गए? 12 हो गए, लेकिन महीने में एक बार गए और वापस आए तो साल के 24 हो जाएंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्लेन हमको छोड़ रहा है वो हमारे घर के बाहर खड़ा नहीं रहेगा, वापस वही लेके नहीं जाएगा हमको, जिस प्लेन में हम गए वो प्लेन तो छोड़ के निकल गया, अब सेकंड प्लेन आ गया तो कितना हो गया? 2 हो चुका है वहां पर, आना जाना 2 काउंट होगा, 1 काउंट नहीं होगा। उस प्रकार से हम लोग महीने में 2 बार जाते हैं तो आना जाना 4 हो गया, तो 48 टाइम्स। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जिनके काम पड़ता ही नहीं है संपूर्ण त्याग रखें, जिनके कम काम पड़ता है महीने में एक बार रख ले, साल में कितना हो जाएगा? 12 बार हो गया, आना जाना करेंगे तो 24 टाइम्स। ध्यान की बात, यानी 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, जितनी बार रखना है उतनी बार रख ले, काम पड़ता ही नहीं है तो अपने को संपूर्ण त्याग रखना है, 10, 20, 30, 40, 50 बार, जितनी बार पड़े आप लिख लो, उसके उपरांत संपूर्ण त्याग करना है। इतनी एरोप्लेन उड़ती रहती है, सबका क्रिया हमारे खुला हुआ है, सबका हमारे अकाउंट में जा रहा है, इतना नहीं चाहिए अपने को, इसलिए त्याग करना है। अब अगली बात है विदेश की,
जिन व्यक्तियों के रिश्तेदार, जिनके घर, जिनके ऑफिस आउट ऑफ इंडिया में भी रहते हैं, उनको ऐसा भी हो सकता है कि साल में 5 बार जाना पड़ता हो, ऐसा भी होता है किसी किसी को महीने में 1 बार जाना पड़ता है, तो उनकी वो मर्यादा कर सकते हैं कि विदेश जाना, विदेश से वापस आना, दोनों चीजें हैं। तो इसमें हम मर्यादा कर लें कि 50 बार के उपरांत, 100 बार के उपरांत, 200 बार के उपरांत जितना हो इतना हम नहीं रखेंगे। महीने में 1 बार जाना आना पड़ा तो कितना हो गया, 2 बार हो गया। साल में कितना हो गया, 24 टाइम्स हो गया। बार बार जाना पड़ता है तो 20 बार, 50 बार, 100 बार, कुछ ना कुछ तो ब्रेक लगाना है, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि आपको कितनी बार आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। सो आप लोग अच्छे से ध्यान में जानते हैं आपकी क्रिया की, आपको कितने बार जाना पड़ रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप अपनी मर्यादा सेट कर लें, उसके बाद हम संपूर्ण त्याग कर लें। और एरोप्लेन में तो हम काउंटिंग वाइज ही बैठेंगे, 50 बार जाके आए तो गिनती भी कर सकते हैं। उत्कृष्ट श्रावक वही होता है जो अपने नियमों को याद रखे, बहुत जरूरी है। नियम हम लिए हैं तो हम याद रखें, इतनी बार हम लोग गए हैं, इतना हो गया है, और जैसे ही मान लो 1 बार ही बचा है तो मुझे नौकार मंत्र बोल करके जाने की जरूरत नहीं है, 1 बार मैं अवॉइड भी कर सकता हूं ताकि मेरी मर्यादा को मुझे लांघना नहीं पड़े। और मान लो ऐसा कुछ हुआ तो 5 नौकार मंत्र बोल करके जाने का मेरे उसका क्या रहेगा, उसका मैंने खुला रह सकता है। तो इस प्रकार से हम इसकी मर्यादा कर सकते हैं, कंट्री वाइज और आउट ऑफ कंट्री वाइज। हाँ, उसके पश्चात ट्रेन, बस, कार आदि इसमें सब में ले सकते हैं हवाई जहाज के पश्चात। दूसरा हमने इंडिया का डाल दिया इसके अंदर, पहला है हवाई जहाज आदि, और तीसरा ले लें इंडिया से बाहर। अब सबसे बड़ी बात है देश वाइज मर्यादा कर लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 देश हैं, 200 देश हैं, कितने में जाने का सोचते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और या मलेशिया, ये सिंगापुर, बिंगापुर, 5-7 और ज्यादा कोई नाम नहीं लेता, सजेस्ट करेगा तो भी इतना ही करेगा। तो क्या इतना सारा हम जाने का सोचते हैं क्या? बस जहां पे जाने का सोचा है 10 कंट्री का नाम लिख ले, 10 देश का नाम हमने लिख लिया कि यहां जाने का हम लोग सोचते हैं, उसके बाद से हमको जाना ही है, बात ही खत्म। इतना लिख लेंगे अपन तो बाकी के देश में जो जो क्रियाएं लग रही है हमको, वो तो कम से कम दोष नहीं लगेगा ना। इस प्रकार से हम देश वाइज मर्यादा भी कर सकते हैं कि इन देशों में मेरा व्यापार है, इन देशों में घूमने के लिए जाना पड़ता है, या मैं साल भर में जाता हूँ, जाना ही नहीं है, संपूर्ण त्याग रखें। बाकी घूमने के साथ जाना है तो 1, 2, 3 बोलते ना वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर में वो 200 देश नहीं घूमता है, अच्छे से पता है मेरे को भी, शायद मुझे ये भी इतना तो मैं भी जानता हूं कि नाम तो वर्ल्ड टूर का होता है बट 200 देश नहीं घूमते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि फुल बॉडी चेकअप, तो उसके अंदर बोलते हैं भैया फुल बॉडी चेकअप में आपके 20 जो कवर हो जाएंगे, बोलेंगे सिटी स्कैन हो जाएगा क्या, हमारा इतने नहीं है, हमारा इसमें कवर नहीं, तो भैया फुल बॉडी चेकअप क्यों बोल रहे हो फिर इस समय। इसी प्रकार से वर्ल्ड टूर बोलते हैं ना, तो वर्ल्ड टूर जो है वो वर्ल्ड टूर में मैक्सिमम जो जो जहां पर घूमने की जगह है वहीं पर 10 देश, 15 देश, 20 देश ही घुमाते हैं, पूरा कोई 200 देश तो घुमाएंगे नहीं। अब नाइजीरिया, फिलीपींस, ऐसे देशों में जाके करोगे क्या, भूटान में जाके क्या करोगे, वहां जाकर के दान देना हो तो जाओ, बाकी कोई मतलब नहीं है भूटान में। यूं मान लीजिए किसी भी ऐसे देश के अंदर जाते नहीं है तो वहां का अपन खुला क्यों रखे, क्यों अपन दोष के भागीदार बने, हमको उसकी काउंटिंग करके बाहर सभी की मर्यादा कर लेनी है और उसका त्याग कर देना है। हाँ, अगला जो आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए हेलीकॉप्टर है, हमने हमने बाकी प्लेन का तो कर लिया है लेकिन हेलीकॉप्टर जो पर्सनल है, चार्टर्ड प्लेन जो होते हैं, हमको कभी काम पड़ता नहीं है इसका, इसका संपूर्ण त्याग करना ही है, हेलीकॉप्टर का, चार्टर प्लेन का संपूर्ण त्याग करना है। और अगर कोई ऑफर कर दे कि भैया आज आपको घूमना है और अपन सोचे कि हाँ मैं घूम लेता हूँ, तो श्रावक ऐसा नहीं हो सकता जो इतनी सी बात में पिंगल जाए, हम तो श्रावक है ना, श्रावक बनने जा रहे हैं ना, तो फिर हम पिंगल कैसे जाएंगे। इसीलिए हमको दृढ़ रहना है कि नहीं नहीं मुझे नहीं घूमना इसके अंदर, चार्टर प्लेन के अंदर घूम लिया तो ममत्व बढ़ेगा और उस टिकट को संभाल के रखेंगे कि मैं एक बार है ना उस कहानी को कम से कम 500 बार सुनाएंगे, एक बार हेलीकॉप्टर में बैठा था और सामने उसने फूल बरसाए थे और मैं कर्म मानता रहूंगा, कर्म मानता, यही मेरा काम चलता रहेगा। तो उस प्रकार से हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, जो भी उड़ने वाली चीजें, उनका संपूर्ण रूप से त्याग रखना है। किसी के घर में हो तो बात अलग है, घर में किस किस के होंगे, सिंपल सी बात है, बहुत कम रहेंगे। हाँ जी, अब जो अगली बात है, शिप यानी जहाज, जितने भी प्रकार के जो जहाज आदि रहते हैं तिरछी दिशा के अंदर जाने वाले, जल मार्ग से होने वाले, जल मार्ग में जहाज आ गया, नाव आ गया। आप लोग ही देखना कि जहाज जो जाता है ना भूमि के अंदर इतना रहता है, और बाकी जहाज भूमि में रहेगा ना उसके नीचे कुछ ऐसा घूमने वाला रहता है, गोल गोल घूमने वाला, इसके तिकी तिकी रहती है। अब ये जितनी घूमती है ना उसमें जितने जितने पंचेंद्रीय जीव, बेंद्रीय, तेंद्रीय जितने जीव आते हैं सब कटके मरते हैं, इतना भयंकर हिंसा का काम है। यानी कार, बाइक वगैरह में थोड़ी हिंसा लगती है, उससे अधिक हिंसा ट्रेन में लगती है, उससे ज्यादा हिंसा प्लेन में लगती है, उससे अधिक हिंसा किन में लगती है, जहाजों में लगती है,
हम ऐसा काम करेंगे क्या कि जिस मशीन के अंदर जीवों की हिंसा जीवों को मारने का चल रहा है वहां उसमें सफर करेंगे? संपूर्ण रूप से त्याग करना है। और अगर घूमने की बात आ गई, कभी घूमना पड़ता है तो पांच नौका मंत्र बोल करके चले गए, बात अलग है, बाकी संपूर्ण रूप से हमको त्याग करना ही है। इसके बाद जो चीज आएगी इमरजेंसी में घूमने की बात का आ जाएगा। अब इमरजेंसी में क्या क्या आ सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोरोना की वजह से कहीं फंस गए, देश में ऐसा कोई युद्ध चल गया कि हमको वहां से निकल के जाना पड़ रहा है, तो इमरजेंसी में पांच नौका मंत्र बोल करके हम उसका यूज कर सकते हैं। ट्रेन बस और कार। अब अगला है बस और कार, इसकी हमको मर्यादा करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमारी सिटी के अंदर, जैसे कोई एग्जांपल के लिए मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है तो मुंबई में मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि आपका पूरे दिन के अंदर कितना किलोमीटर जाना होता है? कभी कभी तो महीने भर तक घर से बाहर नहीं निकलते, और कभी जाते हैं तो यहां मेरी बुआ रहती है, यहां मामा का बेटा रहता है, वहां पे वो रहता है, मैक्सिमम 5-10 किलोमीटर जिस सिटी में रहते हैं वहां पर इतना जाना पड़ता है। तो मर्यादा कर ले कि जितनी मेरी सिटी का माप है वहां तक मैं जा सकता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में 15 किलोमीटर, राइट हैंड साइड में 15 किलोमीटर, सामने पीछे 15-15 किलोमीटर का एरिया बना दिया, यानी अल्टीमेटली 30-30 किलोमीटर अपना हो चुका है, ध्यान में रखना। तो उस प्रकार से हम लोग मर्यादा कर सकते हैं। और अगर कहीं बाहर जाने का काम पड़ा तो पांच नौका मंत्र बोल के मैं इस चीज को कर सकता हूँ, ऐसा पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। सिटी का ये हो गया है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। सिटी से बाहर, जैसे कोई बाहर बेंगलोर मुंबई आदि रहते हैं, उन लोगों का मारवाड़ आने का काम पड़ता है, तो क्या मारवाड़ हर महीने आते हैं क्या? नहीं, हर महीने तो नहीं आते, तो क्या करते, 2 महीने में आते? नहीं आते। जितनी बार काम पड़ता है उतनी बार काम लोग कर रहे हैं कि 5 बार के उपरांत नहीं जाएंगे, एटलीस्ट एक बार मर्यादा तो हो गई, उसके बाद 5 के बाद उल्लंघन हो रहा है, तो 5 नौका मंत्र बोल करके हम जा सकते हैं। इतना अच्छा भगवान ने सरल मार्ग बता दिया कि हमसे नहीं जा रहा, 5 बार हो गया, 6ठी बार जाना पड़ रहा है, तो 5 नौका मंत्र सच्ची श्रद्धा से बोल लो और शाम को प्रतिक्रम भिक्षा में दुग्रम दे दो कि मुझे ये करना पड़ा, मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा, इसके लिए मैं भिक्षा में दुग्रम देता हूँ। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब जो अगले इसके अंतर्गत जो अपन ने पूरी मर्यादा की बात कर ली है, ऊंची दिशा, नीची दिशा, तिरछी दिशा, अच्छे से आप लोगों ने कर लिया है। अब इसमें क्या क्या अतिचार लग सकते हैं, हम वो अतिचारों की बात कर लेते हैं। अतिचार जैसे एग्जांपल के लिए ऊंची दिशा में जितनी मैंने मर्यादा की है उससे अधिक मेरा जाना पड़ा हो, नीची दिशा में जितनी मैंने मर्यादा की है उसके उपरांत में चला गया हूं, तो मिच्छामी दुक्रम, यह अतिचार लग सकता है। तिरछी दिशा में जितनी मैंने मर्यादा की है उतना मैं गया हूं लेकिन उससे अधिक भी चला गया हूं, तो मुझे क्या करना है, उसका मिच्छामी दुक्रम देना है। और अगला जो आता है उसके अंदर, यानी अगला है चित्त बुद्धि, इसके अंदर का ये समझना है कि मेरे को तिरछी दिशा में मेरा एक दिन का ऐसा था कि 15 किलोमीटर में जा सकता हूं, फिर तो मैंने सोचा कि मुझे 20 किलोमीटर जाना है, तो मैंने क्या किया कि इस साइड में मैंने 15 रखा था और राइट हैंड साइड में भी 15 रखा था, दिशा की अपेक्षा से मैंने क्या किया 15 को 15 को जोड़ दिया, 30 किलोमीटर कर दिया कि इस साइड में मैं कर लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। जितना किया है उतना ही जा सकते हैं और जाना है, और याद नहीं है तो बात अलग है, याद आ गया इंस्टेंटली गाड़ी रोक दीजिए, बस में बैठे तो बस के अंदर जब भी अपने को स्मृति आ जाती है तब मेरे को क्या करना है, 5 नौका मंत्र बोलना है कि मैं जा रहा हूं, और 5 नौका मंत्र बोल करके मैं उसका खुला करता हूं, जब वापस मैं मेरी मर्यादा में आ जाऊंगा तब मुझे वापस लोक अपने आप लग जाएगा। अब अगला है सही अंतरदा, यानी की हुई मर्यादा में संदेह होने पर आगे जाना, जो मर्यादा मैंने कर रखी थी संदेह हो गया आगे चला गया हूं, तो उसमें वो आ चुका है। इस प्रकार से हमने ये जो मर्यादा आदि जो है हमने पूरा विवेचन कर दिया है इसका, और इसके पश्चात जो जो भी नियम आदि चलते हैं। अब इसमें पुस्तक के अंदर क्या क्या नियम अपन ले सकते हैं, वैसे मूल रूप से तो आई थिंक सो आ चुका है, फिर भी अपन इसमें जो नियम दे रखे हैं अपन उसका एक बार वाचन कर लेता हूं मैं आपके सामने। ऊंची दिशा में आकाश मार्ग से जाना पड़े तो इतने किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा, इसके उपरांत संपूर्ण त्याग रहेगा और जितना मैंने लिखा है उसकी मेरे मर्यादा रहेगी। नीची दिशा खान तहखाने कुआ बावड़ी तालाब समुद्र आदि में उतरना पड़े तो इतने इतने किलोमीटर तक मैं जा सकता हूं, उसके उपरांत मैं नहीं जाऊंगा, उसके उपरांत मेरा संपूर्ण त्याग रहेगा और उसके जितना मैंने सोचा है उसकी मेरी मर्यादा रहेगी, और मर्यादा का मेरे उल्लंघन रहता है तो मैं 5 नौका मंत्र गिन करके मैं जा सकता हूं। तिरछी दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में भारत वर्ष इंडिया या देश के बाहर जाना पड़े तो एक करण एक योग से यावत जीवन अथवा उसके उपरांत संपूर्ण त्याग करना है मुझे, अगर नहीं जाना है संपूर्ण त्याग कर दिया, जाना पड़ता है तो उसकी मर्यादा कर ले में 5 बार 6 बार जितनी बार जाए उसकी मर्यादा हमको करनी है। अंतिम इसमें बता अगला है मर्यादित क्षेत्र के बाहर
या भारतवर्ष के बाहर पत्र व्यवहार करना पड़े तो उसका मैं आधार रखता हूं या फिर उसकी मैं मर्यादा करता हूं कि 5 बार 10 बार 20 बार 15 बार अपने रिलेटिव्स रहते हैं तो उनकी हमको वहां फोन कॉल पे बात करनी पड़ती है, तो वो दिशा वहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तरंगे पहुंच रही है, तो अल्टीमेटली एक तरीके से तो हम भावों से तो पहुंच ही गए हैं, और पता नहीं सपने में भावों से तो कहां कहां घूम के आ ही जाते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में राजस्थान के बाहर नहीं गया हो वो सपनों में अमेरिका भी घूम लेता है और अमेरिका का शासक भी बन जाता है, तो ये तो भावों से तो दोष लग ही रहा है। हम कम से कम द्रव्य की मर्यादा तो करें, द्रव्य की मर्यादा कर लेंगे तो भावों से अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगला है अंतिम, दिशा की मर्यादा से बाहर जाने का संदेह हो तो आगे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से नियम ले सकते हैं, और अर्जेंट कोई इमरजेंसी काम है अगर जाना पड़ रहा है तो मैं 5 नवकार मंत्र बोल करके जाने का मैं आधार रखता हूं। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब अगले जो दे रखे हैं दिशा परिमाण व्रत के आगार, ये समझ लीजिए अच्छी चीज है। आगार जो है, मैंने जिन दिशाओं की मर्यादा की है, मैंने जिन दिशाओं की मर्यादा की है उसके बाहर तार या पत्र व्यवहार करना पड़े। पहले टाइम पे तार चलते थे, अभी वर्तमान में मोबाइल फोन चल चुके हैं, पता नहीं क्या क्या चल चुके हैं, तो उसके बाहर व्यवहार करना पड़े, माल मंगवाना पड़े, फोन करके भेजना पड़े, मुनिम या वकील को भेजना पड़े, तो मेरे उसका क्या रहेगा, आगार रहेगा। राजा आदि की आज्ञा, अभी राजा कौन है, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो वर्तमान के राजा है। उनकी आज्ञा से अथवा आकस्मिक देवी घटना से की गई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो आगार है। कोई देवता आकर के बोले चल मैं तेरे को पकड़ के यहां से उठाता हूं और महाविधि क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के मैं दर्शन करवा लेता हूं, अगर हमको पता है तो वहां पर क्या करेंगे, 5 नौका मंत्र बोलना है। यस, 5 नौका मंत्र तो बोलना है पर मना नहीं करना है, क्योंकि मर्यादा उल्लंघन तो हो रहा है लेकिन भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको देख करके मेरे भव पर तिर जाए, यानी वहां पर हमको ध्यान में रखना है। ऐसा कब होगा, जो बहुत किस्मत वाला व्यक्ति होगा उसी के साथ में हो सकता है उल्लंघन हो, तो उसका मुझे आगार रहेगा। यदि धर्म कार्य के निमित्त से मर्यादा से बाहर जाना पड़े, बीमारी के कारण, निद्राहीन या बेहोशी में कोई अपहरण कर ले, कोई हमारा अपहरण कर लेता है, निद्रा के अंदर कोई लेके चला जाता है, तो उसका मुझे आगार रहेगा। अपहरण कर लिया, कोई आदमी आ रहा है कि साहब तेरे अपहरण करने के लिए आया, किडनैप करने के लिए, उसको बोला कि भैया मेरे व्रत है छठा, मुझे अपहरण मत कर, ऐसा नहीं चलेगा वहां पर। वहां पर तो अपने का उसका आगार रखना पड़ेगा। धर्म कार्य से जाना पड़े तो भी मेरा आगार रहेगा। बीमारी से मुझे खुद को जाना पड़े, किसी के साथ जाना पड़े, किसी को ले जाना पड़े, तो उसका मुझे आगार रहेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में जो मर्यादा बांधी है उसके अंदर ही कोई जमीन यदि स्वाभाविक ऊंची नीची हो तो वहां जाना पड़े तो उसका आधार मेरे रहेगा। इसकी अपन ने बात कर ली थी। हाँ जी, अभी अपन ने जितनी मर्यादा की है, जितना हमने त्याग किया है, उसका हम प्रत्याख्यान आदि कर सकते हैं। पहले प्रश्न आदि ले लेते हैं जैसा आप आज्ञा करें। हाँ जी, इस व्रत से रिलेटेड किसी के पास क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, बाकी अपन बाद में ले लेंगे पचकान के बाद। प्रेमा जी चौटिया, अगर किसी को डाउट है एरिया के हिसाब से, दिशा के हिसाब से, तो अपन जो सिटी में रह रहे, जैसे मैं भी बैंगलोर में हूँ और मुझे चेन्नई जाना है या मैसूर जाना है, तो ऐसे भाई मेरा मैसूर जाऊं वो उत्ती एरिया का मुझे त्याग छूट है, बाकी पूरा त्याग है, ऐसे पचकान ले सकते हैं क्या? सिंपल देख लो, जिस सिटी में रहते हैं जितना उनका एरिया है उतना रख लो, जैसे 50 किलोमीटर का, ठीक है? और बाहर सभी का त्याग रहेगा, जब जाना पड़े तो 5 नकामत बोल दो, सिंपल। हाँ, तो एक पर्टिकुलर सिटी, जैसे अभी बैंगलोर से मुंबई आ रही हूँ तो मुंबई तक का मुझे छूटे, बाकी पूरा त्याग। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपलली आप सबका त्याग कर दो, मुंबई बेंगलोर में आपका खुला है, ठीक है ना? सबका त्याग है, जब भी जहाँ जाना पड़े उसी का खोलना है कि मेरे को मुंबई से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से मेरे को यहाँ जाना है, उसका मुझे खुला है, बाकी सबका त्याग रहेगा। बाकी सबका त्याग, ओके, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। संगीता जी सेठ, जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। ये जैसे कॉल करते हैं विदेश में तो उसका भी आगार रखना चाहिए, 14 नियम चितारते हैं तो? बिल्कुल आगार रखें तो अच्छा है कि जब भी करना पड़े उस समय मेरा आगार रहेगा। और सबसे बेस्ट है कि कभी कभी कॉल्स आ जाते हैं तब नौका मंत्र नहीं बोल पाते, या फिर नवका मंत्र बोल करके उठाए कि मेरे इसका संपूर्ण रूप से त्याग है, जब भी मैं बात करूंगी तब मैं एक नवकार गिन करके ही बात करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। अच्छा, तो धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, ये सोच लो आप, धर्म के प्रति अच्छा, मजा आ जाएगा पालन करने में भी। नहीं, कॉल करते समय भी नवकार मंत्र बोल के ही करना चाहिए।
ऐसा करो तो बहुत अच्छी बात है ना, हर एक प्रवृत्ति में ओंकार मंत्र बोलो, किस बात के लिए मना है, अच्छा से अच्छी बात है। अच्छा अच्छा हाँ जी, नहीं तो संपूर्ण त्याग लगता है अपना सारा कॉल करने का। संपूर्ण त्याग ले लीजिए, और किसी का कॉल आता है तो उठाने का बात कर लीजिए, इमरजेंसी में करना हो तो बात अलग है, बाकी मेरे फोन करने का त्याग है ऐसे भी ले लो। फोन आया बेटे बेटी का, किसी का आ गया तो मैं उठा लूंगा, और मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी वश अगर करना पड़े तो बात अलग है। ये पंचायतें करने के लिए कॉल नहीं करना है कि पड़ोसी ने क्या बोला उसने क्या बोला वो सब नहीं, इमरजेंसी हो तो मैं फोन करूंगा, ठीक है, आए तो मैं उठा लूंगा। समझ में आ गया जी? मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ऊंची नीची तिरछी दिशा का परिणाम, तो जब हम 14 नियम पालते हैं ना, तो मतलब मोस्टली कहीं जाते नहीं है, तो मेरे घर में जैसे ऊंची दिशा है छत, नीची दिशा है ग्राउंड फ्लोर, तो मैं ऐसे ही पालती हूँ, तो ये करेक्ट तरीका होता है क्या, लाइक जब हम घर में रहते हैं पालने का? बिल्कुल सही तरीका है, तो जितना जाना है उतना ही रखना है। अभी मैंने बोला 50 मंजिल का रख लो, 50 मंजिल तो जाना ही नहीं पड़ रहा है ना आपको, तो बाकी का दोष लग ही रहा है ना। सबसे बेस्ट है श्रावक के व्रतों को ले लिया, 14 नियम को डेली का डेली चिता रोगे तो आप तो उसमें और शॉर्ट कर दोगे, ये बहुत अच्छी बात। तो अगर है ना जैसे अब ये जैसे ये 12 व्रत और 14 नियम लगभग एक जैसे मतलब मिलते जुलते ही है, तो अगर हम रोज 14 नियम चितार ले वो ज्यादा अच्छा है कि अगर हम ये जो आप व्रत करवा रहे हैं इनका 12 व्रत आप लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, और रोज 14 नियम चितारिए प्रैक्टिस के रूप में, रोज आपको याद करने के लिए 14 नियम जो है, छोटी छोटी चीजें है, सचित अचित का त्याग आदि जो चीजें हैं उसके अंदर चलेगा 12 व्रत। तो यू मान लीजिए एक बाढ़ है जिसको करना बहुत जरूरी है, और बाघ जैसे एग्जांपल के लिए किसी कोई काऊ है कोई बफेलो है उसको एक बाढ़ के अंदर डाल दिया गया है और उसको खुला छोड़ दिया बाढ़ के अंदर, तो क्या करेगी, कहीं पर कुछ दान रखा है वो खा जाएगी, कहीं पर क्या रखा है, तो बाड़े में डालने के बाद में भी उसको बांधा जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो जो 14 जो अपने पूरे के पूरे 12 व्रत है, एक पूरे के पूरे परकोटे में आने के बराबर है, यानी मैं बाढ़ लगा दिया 12 व्रत हो गए, उसके अंदर भी एक खूटे से बांध दिया है गाय को भैंस को, वो 14 नहीं हमें समझ लीजिए, मैं इतना ही करूंगा, दोनों बहुत जरूरी है। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया मेरा आज का क्लास, मेरे को आपका वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ बाद में सुन लीजिएगा, पूरा बता दिया है जितना मुझसे प्रयास हुआ उतना। हाँ जी हाँ ओके जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जी, शीला जी सुराना, हेलो, मुझे सुन पा रहे सर? बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हम ईमेल करते हैं कहीं, तो क्या वो भी पत्रादि के अंदर शामिल हो जाता है? ईमेल तो पत्र में शामिल है, बिल्कुल शामिल है, पहले पत्र डाक लेके जाता था, अभी नेट लेके जा रहा है, बात तो थी इसलिए पत्र तो पहुंच गया ना अल्टीमेटली। तो उसकी उसकी मर्यादा कैसे की जा सकती है? मर्यादा कैसे की जाए, ईमेल का भेजने का मुझे इमरजेंसी रहेगा तो मुझे उसका आधार है, बाकी मैं संपूर्ण त्याग रखते हैं, रोज तो भेज नहीं रहे। नहीं, समटाइम्स तो लोकल मैं मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं उसके हिसाब से मुझे मुझे खुद को कई बार करनी पड़ती है ईमेल। ओके, कितना करना पड़ता है दिन में? ऐसा जरूरी नहीं कि मैं डेली करूं, महीने में कितना करना पड़ता है? नहीं, अच्छा ठीक है, महीने के हिसाब से मर्यादा कर, बस बात खत्म, महीने में 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार ऐसा करवा सकते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता जी लोटिया। देवेंद्र सर, अभी आपने मतलब अभी मेरे एक साल के लिए एरोप्लेन का लिया मतलब आने जाने का 24 बार टोटली, तो मैं यूज तो करूंगी नहीं, अभी मैं अभी जाऊं तब अगर नहीं तो त्याग में ऐसे लिख सकते ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसा कर लीजिए कि मुझे एरोप्लेन में नहीं जाना है, संपूर्ण त्याग है, ठीक है, 24 बार को छोड़ करके, 24 बार को छोड़ करके संपूर्ण त्याग है। हाँ वो तो मैंने कर लिया सर। और जब तक मुझे एरोप्लेन में नहीं बैठना है तब तक मुझे 24 का भी त्याग है, जब बैठना होगा तो मैं 5 नवकार मंत्र गिन करके बैठूंगा। बाकी सब चीज के लिए ऐसे ले सकती हूँ ना सर, मतलब मैं जाऊं तो मेरे को 5 नवकार मंत्र गिन के जाना है, नहीं तो संपूर्ण त्याग है। हाँ ये बिल्कुल है, लेकिन हमने को 24-50 कुछ ना कुछ फिक्स करना ही है। नहीं नहीं वो तो फिक्स कर लिया सर, उसमें देखो, मैं नहीं जा रही हूं। जिन जिन जीवों की मैं मान चुका हूँ, आपकी बात समझ चुका हूँ, जिन जिन जीवों की हिंसा हमारे जाने से हो रही है तो हाँ। क्या होगा, हमने ऐसा लिखा है कि 5 नवकार मंत्र बोल करके मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, खुला हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, जीव ये समझेंगे कि जब भी इसने 5 नवकार मंत्र बोले ना तब तो हमारी सहमत आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 के बाद तो मैंने संपूर्ण त्याग कर लिया है, 24 का तो मैंने फिक्स कर लिया है, और उसके अंदर भी मुझे अगर एक का भी यूज करना पड़ेगा तो 5 नवकार मंत्र बोल करके मैं उसमें जाऊंगा, अन्यथा मुझे उनका भी त्याग रहेगा, ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। जय जी, जय जी,
जय जी नेहिंदू सा, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ फरमाओ। मैं ये पूछ रही थी जो ये व्हाट्सएप अगर ये चलाते हैं, ये मैसेज भेजते हैं, ये स्टेटस पे लगाते हैं, तो ये जितनी जितनी दूरी पे जाते हैं हमारे मैसेज या कुछ भी, तो उनकी क्रिया लगती है क्या दिशा के अंदर? देखो ऐसा है, क्रिया तो हमको हर एक चीज की लगती है, जहां तक सहयोगी केवली गुणस्थान है ना, जहां तक योगों की प्रवृत्ति है वहां तक उनको दोष लगता ही है, सिंपल सी बात। नहीं नहीं, जैसे दिशा की मर्यादा करी हमने 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या, तो फिर हम जैसे व्हाट्सएप पे या कुछ भी चलाते हैं या उसमें मैसेज डालते हैं तो या देखते भी हैं, तो उसमें क्रिया लगती है क्या, ये पूछने का मतलब? 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपने किया है, स्वयं के जाने की बात है वहां पर। अच्छा, आप ऐसा रख लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के द्वारा जो संचार मेरे द्वारा, जो संदेश मेरे द्वारा प्रेषित किए जाएंगे, मैसेज वगैरह करते हैं, वो कहीं पर जाए तो मुझे उसका आगार है। अब उसमें ये चीज कर लो कि मैं दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में यूज करूंगा, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सीरियल वगैरह देखते हैं, ये कहाँ से कहाँ के आते हैं, तो फिर उसकी क्रिया भी उसी में लगेगी, दिशा में ही आएगी। अब दिशा में तो इस तरह से नहीं ले सकते अपन कि क्रिया इसमें दिशा में लग रही है, नहीं, जहाँ से प्रसारित हो रहा है, जैसे जहाँ से प्रसारित हो रहा है हम देख रहे हैं, तो वो प्रसारित कर हम इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं। देखो हमने फिर 1-1, 2-2 घंटे का हमने त्याग कर लिया है, और आप इसकी दिशा की मर्यादा कर भी नहीं सकते कि कहाँ से आ रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, कि सैटेलाइट से आ रहा है शायद पता नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 घंटे के ऊपर टीवी नहीं देखेंगे, ऐसी अपन मर्यादा कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो बस के जितनी मर्यादा रखते हैं दिशा की हमारी, तो उसके अलावा हम फोन की और स्वयं के जाने की बात है, स्वयं के जाने की बात है, बाकी तो फोन में, बाकी तो खुला रख सकते हैं ना, मोबाइल आगार रख सकते हैं, आगार खुला नहीं, आगार रखना है। धन्यवाद। एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स जाने जाएं से पहले अपन पोल कर लेते हैं, हां सर, उसके बाद क्वेश्चंस और ले लेंगे, पचकान भी कर लेंगे फिर एक बार। राइट सर, बिल्कुल। ऐश्वर्या आप कर रहे हो पोल? हां लॉन्च कर दिया है मैंने, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सब। क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सबकी स्क्रीन पे ना, एक बार बस कोई हां बोल दीजिए। हां आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। सभी जने अपनी वोटिंग वगैरह जो भी है, आपको जैसा भी लगता है, आपने जैसा सीखा है, आप लोग कर सकते हैं। जिनको ध्यान में नहीं आ रहा हो तो अपने पास पास जो बच्चे हैं उनको बुला लेवे कि भाई प्लीज आकर के देख लो एक बार क्या चीज है, किस तरह से करना है पूरी। ये सूर्या कुमारी मेहता जी कुछ बोल रहे हैं, आप म्यूट है, आपको आवाज मेरे तक नहीं पहुंचेगी। जो भी पास में हो उनको बुला लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से ये चीज। ऊपर ऑप्शन आ रहा है पोल इन प्रोग्रेस करके, आप देख लीजिए क्लिक करके, आपको ध्यान में आ जाएगी। पोल इन प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा चार्ट आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएंगे, नेक्स्ट करते जाइए, हाँ नहीं पर आंसर करते जाइए, ताकि हमको फीडबैक मिल जाएगा कि कितना क्या हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है पोल जरूर भर लें, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी 1/3 पॉपुलेशन नहीं भरा है, तो रिक्वेस्ट है आप लोग, हम और थोड़ी देर खुला रखते हैं, 1 मिनट और। के अंदर जब क्लासेस चली थी ना, तो मैंने निवेदन किया था कि थैंक्सगिविंग नेचर हमारा, ये बताया था कि हमारे को धन्यवाद देने का नेचर हो सकता है, होना चाहिए। तो हम जो ऑर्गेनाइजर हैं, हर एक 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 चीज, एक एक शब्द हमको सुनने को मिलता है, हमको थैंक्स बोलना है। थैंक्स बोलने का मौका आपके सामने है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि मैंने कितना सीखा है, तो आपको थैंक यू में ही गिना जाएगा, ही ध्यान में रखना है। हमको ध्यान पड़ जाएगा, हाँ हम सेटिस्फाइड होंगे, कितने लोगों ने भरा है, इतना इतना हमारे पास फीडबैक आया हुआ है। अपने स्वयं की जागृति से आप लोग भरे, व्रत प्रत्याख्यान लेवे और उत्कृष्ट श्रावक बने, बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल पोल है, आई थिंक अभी आधे लोगों ने ही बताया।
आप स्क्रीन पे बस टिक करना है, आपको जो ऑप्शन चूज करना है उस पे बस क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फोर क्वेश्चंस ही हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज क्लिक कर ले तो हम और हमें हेल्पफुल रहेगा, हम और इम्प्रूव कर पाएंगे, हम थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। धर्मेंद्र जी सर एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ के भी बता दीजिए, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हाँ जी, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाँ सर, सभी जने ध्यान देते। सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप पहली बार 12 व्रत समझ रहे हैं? आंसर है हाँ या नहीं। आपको हाँ पे क्लिक करोगे तो हाँ हो जाएगा, नहीं पे नहीं। अगला जो है, आपके पास 12 व्रत की पुस्तक किताब है या नहीं, हाँ या ना, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको 12 व्रत समझ में आ रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क है, कितना आ रहा है, कि आपको 100% आ रहा है तो 100 पे क्लिक करें, 80%, 60% या फिर 40%, जितना जितना आपको समझ में आ रहा है उतना उतना आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, क्या आपने पहला प्राणातिपात वीरमन व्रत अंगीकार किया है, हाँ या नहीं, उस पर आपको क्लिक करना है। बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला प्राणातिपात व्रत अंगीकार करने के पश्चात ही अपना एक जघन्य श्रावक कहलाते हैं, उसी में जाकर के दो व्रत तीन व्रत शामिल हो सकते हैं। ऐसा नियम ले ले अपन कि हमने एक सामयिक करने का नियम ले लिया तो हम एक व्रतधारी श्रावक बन गए, नहीं। फर्स्ट व्रत तो बेसिक है, मूल है, मूल के बाद में ही शाखाएं जुड़ेगी, ध्यान रखना। जब तक तना नहीं होगा ना, जब तक मूल रूप से तना जड़े नहीं होगी मजबूत, तब तक शाखाएं डालियां पत्ते फूल फल आदि नहीं आ सकते। इसीलिए तीन घृण व्रत, चार शिक्षा व्रत, तो जो है वो पांच अनुव्रतों को संवर्धन संरक्षण देते हैं, आश्रय देते हैं, उनके अच्छा बनाने में निरतिचार रूप से पालन हो उसके लिए वो सहायक है। तो पहला जो है वो लेना कंपलसरी है, उसके पश्चात आदि आगे की श्रावक बनने की काउंटिंग की जाती है। आत्मा से हम नहीं सोचेंगे कि वो श्रावक बना नहीं बना, आपकी आत्मा में आप सब लोग जानते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आप पचकान करा दीजिए सबको। हाँ सर बिल्कुल, सभी जने जिन्होंने भी भाग लिया धन्यवाद दे रहे हैं, बिल्कुल साहब आप लोग धन्यवाद स्वीकार करें। और अपन अगला जो पचकान ले लेते हैं, जिन जिनको भी लेना है, जिन्होंने भी जितनी जितनी मर्यादा की है, कल जिन्होंने परिग्रह का नहीं किया हो कल पचकान, तो वो आज कर ले, बिल्कुल करा दूंगा मैं आपको, अगर अलग से करने होंगे तो। आज अपन दिशा परिमाण व्रत की अपन प्रत्याख्यान कर लेते हैं, कितना कितना आपने मर्यादा किया है वो आपको अच्छे से ध्यान में है। तो छठा दिशी व्रत के पचकान, द्रव्य से सभी दिशाओं से आने वाले पापाशयों को रोकने के लिए, मर्यादित क्षेत्र से अपने मर्यादित क्षेत्र के अनुसार जितना मैंने मर्यादा रखी है उसके उपरांत मेरी मर्यादा का है और बाकी सबका मुझे त्याग रहेगा। काल से जीवन पर्यंत के लिए, एक साल के लिए, छह महीने के लिए, एक महीने के लिए, जितना भी रखना है मिनिमम एक साल के लिए रखे, बहुत बढ़िया है। भाव से एक करण तीन योग से किताब में दिया हुआ है, लेकिन अपने को एक करण एक योग से ही करना है स्टार्टिंग के अंदर, और जो व्यक्ति करना चाहे एक करण तीन योग से, वो एक करण तीन योग से कर ले सबसे बेस्ट रहेगा। मन वचन काय से उक्त प्रकार की जो मर्यादा है उसके आगे हम नहीं जाएंगे, उसका संपूर्ण त्याग करते हैं। एक करण एक योग से, या जो करें वो एक करण तीन योग से, न करेमी कायसा या न करेमी मनसा वैसा कायसा, तस बनते पड़िक में निंदे करिए अपान, वो सिरे वो सिरे, वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी, तीन पांच बार आपको वो सिरामी बोलना है। हाँ जी, अब जिनके भी कुछ प्रश्न वगैरह रहे आप लोग पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी पचकान लिए सबके लिए हर्ष हर्ष जय जय। रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में एक यस जरूर डाल दें, आपने आज पचकान लिया है तो। विमला जी भंडारी नेक्स्ट क्वेश्चन। जय जिनेंद्र सा। हाँ सा। मुझे ये पूछना था कि जो लोग जैसे समुद्र तल के पास में किसी शहर में या गांव में रहते हैं, तो उनकी उनकी जो जमीन की निचाई समुद्र तल से मापी जाएगी या फिर जो शहर है वहीं से मापी जाएगी? मैंने देखो कैसे मापना है वो अलग मैटर है, क्योंकि ये तो सब गवर्नमेंट के काम है और हम लोगों को इतना इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि अपन ऐसा कुछ कर सकें। इस चीज का हमको आगाह रखना है, क्योंकि दिल्ली कहीं पर ऊंचा हो सकता है, दिल्ली से नीचे कोई अगली सिटी बैंगलोर नीचे है, कहीं पर चेन्नई ऊंचा है तो कहीं पर मुंबई ऊंचा है, कहीं पर चंडीगढ़ ऊंचा है तो कहीं पर लुधियाना नीचा है। तो इन चीजों का तुमको आगाह रखना है। हम लोग नहीं समझ सकते कि कितना मीटर समुद्र तल से कितना मीटर नीचे है, कितना मीटर ऊपर है, ये हम लोग नहीं समझ सकते। इसका हमको संपूर्ण त्याग रखना, ये ध्यान में रखना।
अच्छा, और दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे सामायिक करते समय हम लोग जैसे कभी कभी विचार आ जाता है कि हम सिद्ध शिला में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उसमें जो यात्रा कर रहे हैं वहां की, तो उसमें भी जो आने जाने का जो है वो क्या दोष लगता है? उसमें तो कोई हमारा माप परिमाण कुछ रहता नहीं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे द्रव्य दिशाओं की, आपको अच्छे से ध्यान में होगा, स्टार्टिंग किया था द्रव्य दिशा, मैंने ऐसा बताया था। तो वहां पर वो चीजें जो है द्रव्य दिशाओं में वो नहीं आता है, वैसे वो भी खैर भाव दिशा में भी नहीं आएगा, लेकिन हम भावों से जा रहे हैं तो जाने का दोष तो खैर हमको लगेगा, लेकिन हमारी भाव इंटेंशन डिसाइड करेगा कि होना क्या है, कि मैं मोक्ष जाने की भावना पा रहा हूँ, कि मैं संभो शरण के अंदर सिद्ध भगवान को मैं ऐसा महसूस करके आया हूँ कि सिद्ध शिला पर मैं जाके आ गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो ये चीजें वहां पर दोष की वृत्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने खर्चा तो किया है 100 रुपया और मैंने अर्निंग किया है 200 रुपया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ मेरा? तो प्रॉफिट ही है। शुभ भावना तो हमको बानी ही चाहिए, वहां पर ये नहीं सोचना कि मुझे दोष लगा है, वहां पर तो अच्छा कार्य है वो। नहीं, जैसे ये लोग ध्यान जो करवाते हैं ना, जो लोग कोई देहातीत ध्यान, कोई रूपातीत ध्यान, तो उसमें वो बोलते हैं कि हम लोग समासरण की यात्रा करवा रहे हैं या सिद्ध शिला की यात्रा करवा रहे हैं, उसमें क्या यात्रा का दोष लगता है? एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, योगो की प्रवृत्ति करना, ध्यान देना, योगो की प्रवृत्ति करना, अगर खराब योगो की प्रवृत्ति करते हैं तो दोष है कि नहीं? दोष है, खराब नहीं। और अच्छे योगों की प्रवृत्ति प्रतिक्रमण में वंदना करते तो क्या है? वो शुभ है, शुभ है। अल्टीमेटली योगों की प्रवृत्ति दोनों में है ना, शुभ प्रवृत्ति तो हमको करना चाहिए, अशुभ प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, तो इसी प्रकार से हमको शुभ प्रवृत्तियां करनी है, अशुभ प्रवृत्ति को रोकना है, सिंपल सी बात है, कोई बाधा वाली बात नहीं है, कर सकते हैं, समस्या नहीं है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद सर। अंकिता जी दुगड़। जय जिनेन्द्र सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया हम बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हम जानते ही नहीं है जिनके बारे में, मन से मतलब वचन से काया से तो दूर की बात है, मन से भी हम वहां जाने के बारे में नहीं सोच सकते, तो फिर मास का दोष हमें किस प्रकार लगेगा? देखो, जाने की तो नहीं सोचता है अपन, लेकिन दिशा तो खुली है ना अपनी, कभी भी जा सकते है ना, खुला नहीं रखना है अपने को, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, खुला रखेंगे जो जो चीजें अपनी खुली है, जैसे वनस्पति के कितने भेद है, 2 लाख पृथ्वी का है, 2 लाख अप का है, 2 लाख देव का, इतने इतने भेद हैं, तो मुझे कितनी पृथ्वी को टच करना पड़ रहा है, वियतनाम नाम का देश कभी जाऊंगा क्या, म्यांमार वहां जाऊंगा क्या, श्रीलंका कभी काम ही नहीं पड़ने वाला है। आदमी अगर आउट ऑफ कंट्री जाने की सोचेगा तो यूएस यूके सोचेगा ना, ऑस्ट्रेलिया सोचेगा ना, वो सोचेगा मैं भूटान जाऊं, मैं नेपाल जाऊं, बहुत कम सोचते हैं ना लोग, तो ऐसा तो जहां जहां पर नहीं जाना है वहां का अपन संपूर्ण त्याग ले रहे हैं, क्योंकि वहां की दिशा हमारी खुली है, तो मैं कभी भी वहां पर ट्रेवल कर सकता हूं अगर मैंने खुला रखा है तो, अगर मैंने उसका त्याग कर दिया है तो मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं, वहां पर जो दोष जो जीव रहते हैं वो मुझसे निर्भय रहेंगे, उनको मैंने अभय दान दे दिया है कि मैं वहां पर उन जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। जी, थैंक यू सो मच। राइट सर, संगीता जी। हाँ, धन्यवाद साहब, मेरे को पचकान लेने तो सर, 2 मिनट में इधर उधर हो गई थी। ओके, पचकान कर लीजिए आप, पांचवे के करने हैं, छठे के एक बार लास्ट में कर लें, पचकान वापस से एक बार लास्ट में, और भी कोई होंगे तो ओके लास्ट करवा देंगे। ठीक है संगीता जी, आप बस अभी 5 मिनट बाद सारे क्वेश्चन हो जाए फिर वापस करवा देंगे पचकान। ओके सर, ओके। पिंकी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेकबॉक्स में डाल दीजिए। Redmi Note 9 Pro, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो वाया फ्लाइट जाती है, जैसे चेन्नई से जयपुर जाना है, कई बार हैदराबाद होके जाती है या ये बॉम्बे से जाती है या दिल्ली से आ जाती है, उसको किस तरह से लेना? हाँ, देखो इसमें दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो एरोप्लेन में जितनी बार बैठने की मर्यादा करते हैं वो, अगर वैसा लिया है तो जितनी बार बैठेंगे, यहाँ से मुंबई बेंगलुरु से आप मुंबई आए, मुंबई से जयपुर आए, तो 2 जाने का लगा, 2 आने का, 4 लग जाएगी अगर अपन ने एरोप्लेन की बात इस तरह से काउंट किया है तो।
या फिर मुझे ऐसा जाना है कि बेंगलोर से मैं जयपुर फ्लाइट में जाऊंगा तो एक बार उस तरह से जा सकता हूँ, दो बार इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। जैसा आप निर्णय करेंगे वैसा आपका नियम हो जाएगा, ये समझिए आप। ठीक है सर, राइट सर, जय जय। और किसी के प्रश्न है तो अनम्यूट कर सकते हैं। शायद प्रश्न हो गई तो अब आप पिचकान करा दीजिए एक बार वापस। हाँ सर, जितने भी पिचकान रह गए चाहे कल के चाहे आज के, वो धारणा प्रमाणे जितने टाइम के लिए उनको लेना है, वापस एक बार सर अपन को पिचकान करा दें जी। छठे ऋषि व्रत के प्रत्याख्यान, उड्डू दिशा का यथा परिमाण जितना आपने किया है, नीची दिशा का तिरछी दिशा का एम जो था परिमाण किया, उसके उपरांत आगे जाकर पांच आश्र सेवन निमित्त से भोगने का पचकान आदि हम ऐसा नहीं करेंगे। पांच आश्र सेवन निमित्त का मिथ्यात्व अवरत प्रमाद कषाय योग दोष नहीं लगा इसका पचकान। एक कर्ण एक योग, एक कर्ण तीन योग, जैसा आप डिसीजन लेते हैं, जो जो आपने मर्यादा की है उसके उपरांत सभी का त्याग है। जो मर्यादा है उसको हम कम से कम ग्रहण करेंगे, उनको भी हम नवकार मंत्र बोल करके यूज करेंगे, उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक भी हम 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 त्रिवेणम न करेमी कैसा न करेमी मनसा वैसा कैसा तस बंदे परिक में निंदे करिए अपानम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। पर एक मूल रूप जो मैं कहना चाहता था कि पांचवा जो व्रत हमने ग्रहण किया था, पांचवे व्रत के अंदर हमने ऐसी मर्यादा की थी कि मेरे पास अभी वर्तमान में तो 2,00,000 रुपए हैं और मैंने 100 करोड़ की मर्यादा कर ली। वो सब चीज मर्यादा है, वो फ्यूचर की बात है। परिग्रह की मर्यादा है, फ्यूचर की बात होती है, लेकिन दिशा परिमाण जो हमने किया है वो आज से हमारा लागू है। आज मैंने लिया तो मुझे पता रहना पड़ेगा कि जयपुर में मैं कितना जा सकता हूँ, यहाँ से मैं कितना जा सकता हूँ, तो ये मुझे व्रतों में मुझे स्थिर करने का कार्य करेगा। तो ये व्रत तो आपको नियम लेना ही है, इसलिए लेना है क्योंकि परिग्रह तो फ्यूचर की बात है, जब भी इकट्ठा होएगा तब की बात है, लेकिन ये तो आज से ही हमारा स्टार्ट है। परिग्रह परिमाण व्रत लिया है वो भी आज से ही, कल से स्टार्ट हो गया था नो डाउट, लेकिन उसको यहाँ पर मुझे आज से ही फेस करना है। कल का कल अगर मेरा तो जाना पड़ गया चेन्नई तो मुझे नौकर मंत्र बोल के जाना है, कल का कल ही अप्लाई करना है वहां पर। आप जिन्होंने भी पत्रकार लिए हैं सभी को सादर धन्यवाद। मेरे से क्लासेस लेते समय कुछ पढ़ाते समय कुछ बोलने में आया उसके लिए बारम्बार क्षमा याचना, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी सर को, हम सबकी तरफ से बहुत अच्छे समझा रहे हैं और हमारे पहाड़ जितना पाए पाप राय जितना करवाने में आप हमारे सहायक बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। ये जैसे क्वेश्चन बोला ना इन्होंने, हमें जो प्रत्यान करा है ना उसमें मन वचन कायास होते हैं, हम लोग मन से तो करते ही हैं, और जैसे हम लोग कई बार फोटोज वगैरह, आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि हम लोग इतनी प्लेसेस देखते हैं और सोचते हैं कि हम लोग आज कब यहाँ जाएंगे, मन में एक बार ऐसे भाव तो आते ही है, तो इसका मतलब हमें इसमें मन से नहीं लेना चाहिए ना ये जो पचखान लेते हैं। इसीलिए एक करण एक योग का प्रत्यान कराया है, एक करण एक योग का प्रत्यान ही कराया है मैंने, और जो विशेष पहले ले चुका है पहले ऑलरेडी लिया हुआ है उन्होंने दृढ़ता रखी है अपनी खुद की, तो वो क्या है कि एक कर्ण तीनों से भी ले सकता है, और इसके अंदर मैं खुद नहीं करूंगा मन से वचन से काया से ऐसा लेगा तो वो इसमें अप्लाई है। एक कर्ण एक योग से मैं खुद काया से नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक कर्ण एक योग से लेवे बेस्ट रहेगा क्योंकि वर्तमान में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उसको देख करके हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। एक कर्ण एक योग से लेवे पालन करें, बहुत बढ़िया बात। और एक एक बात और थी, जैसे हम काफी जैसे मतलब सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स गए तो हमारे मन में सीधे भाव आते हैं कि हम कब जाएंगे, हम इतनी सुंदर जगह, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मन में नहीं लाना चाहिए, बट फिर भी आ जाता है, मतलब अब आप समझ सकते हैं जीवन है, जीवन में ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं कोई वितरागी नहीं हूं, मैं भी संसार में हूं, ऑब्वियसली समझ सकता हूं, तो जाने का होता ही है, लेकिन हम नहीं जाते फिर भी उसका दोष हमें मतलब लगता ही है, दोस्तों लगेगा, बिल्कुल दोस्तों लगेगा। हम लोग अंदर से मन से ममत तो उस चीज के प्रति अटैचमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। अटैचमेंट तो हुआ ना, जाने की हाँ। इच्छा हुई कि नहीं हुई, इच्छा हुई हाँ। तो अटैचमेंट हुआ, ममत तो दोष का कारण है, ममत तो गया राग की श्रेणी में, राग गया रति की श्रेणी में, दोष तो है ही है, और पाठक राग दोष है कि नहीं है, ये दोष सबसे ज्यादा लगता है, ये लगता है तभी तो वीत रागी बोलते हैं, सोशल मीडिया पे कम बैठा जाए यही ऑप्शन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये तो। सोशल मीडिया को जितना कम यूज करेंगे उतना हम अपने खुद में रहेंगे, उतना परिवार में रहेंगे, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करेंगे तो परिवार में रहते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे, इसीलिए जितना कम यूज करेंगे उतना बढ़िया है वो चीज तो। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।
मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जैसे अभी हमारे एज ग्रुप के सभी लोग होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब बहुत ही एक्टिव होते हैं, लेकिन जब से युवती मंडल स्टार्ट हुआ तो इतना बिजी हो गए इस काम में कि उन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो वो ऐप्स अपने आप ही डिलीट हो गई फोन से। तो अगर आप अपने आप को किसी अच्छे कार्य में व्यस्त रखेंगे तो अपने आप ही आपको कम टाइम मिलेगा सोशल मीडिया के लिए। तो अपन कुछ ढूंढ के आप जिस भी सिटी में हैं आपको जो इतना काम है उसमें आप अपने आप को लगा सकते हैं। जी जी मुंजा, मेरा एक और क्वेश्चन था अगर आपके पास है दो मिनट तो। जैसे हमारे मतलब मेरे दादोसा सेवाभावी थे, तो वो मतलब गायों की और ऐसे सब जीवों की और गरीबों की सेवा करते थे, तो उसके लिए हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है। मतलब जीव दया में दान दीजिए या ऐसा कुछ, तो इसके लिए हमें बहुत फोन करने पड़ते हैं, मैं मैसेजेस ऐसे फॉरवर्ड करती हूँ तो, और मतलब जैसे व्हाट्सएप पे किसी ने बात की थी हम फॉरवर्ड करते हैं, तो हम ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, जीव दया के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, तो ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने में हमें कोई किसी तरह का दोष नहीं लगना चाहिए। नहीं, दोष तो देखो लगना नहीं चाहिए, लगना चाहिए ये तो अपन डिसाइड नहीं करेंगे, वो तो कर्म लगेगा तो अपने आप आगे चिपक जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें ऐसा है कि इंटेंशन अपना अच्छा है ना, भलाई का काम, भलाई का काम कर रहे हैं, बट उसका आगाह रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन डिपेंड करता है कि मैं किस निमित्त किसको बना रहा हूँ, सोशल मीडिया को बना रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक यूज करके कर रहा हूँ, तो उस पर फर्क पड़ता है कि मुझे उसका यूज करने का इस कार्य के लिए मुझे आगाह है, बट मैं अशुभ कार्यों के लिए उसको ज्यादा यूज नहीं करूंगा, अशुभ कार्य के लिए तो मुझे हाथ में ही नहीं लेना है। मैं फेसबुक खोल करके बैठ जाऊं, व्हाट्सएप पे, मतलब सामने से मैसेज क्यों करना, अनर्गल बातों के लिए मुझे सामने से मैसेज करना ही नहीं है, तो समझ लीजिए किसी का आया तो मैंने रिप्लाई कर दिया, हेलो सामने वाला है, हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे भैया कुछ तो कुछ काम कर रहा होगा ना, ये पूछने की जरूरत क्या पड़ी, तुमको काम हो डायरेक्टली बोलो ना, हमको बातें नहीं करनी है, समझ लीजिए काम पड़े वो यूज करना है। ओके जी जी नुंद्रा लेकिन उसमें जो जितना दोष लगता है अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं जो भी उसकी वो अलग बात हो गई, दोनों चीजें वैसे देख सकते हैं। और कोई प्रश्न, प्रश्न शायद यही समाप्त हो गए। कल अपन सातवां व्रत लेंगे और थोड़ा सा लंबा है, तो सब लोग 1 to 1.5 hours की पहले से ही प्लानिंग करके चलें कि पूरा व्रत करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। आज का सेशन अब यही विराम देते हैं, सभी से सादर जय श्री।